आज जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा मीन्स स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा वर्ड ही स्पेक्ट्रम से निकला है, जिसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स शोविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और उसके बाद मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे और फिर एंड में टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता क्या है। सबसे पहले नीचे डायग्राम की तरफ आप देखें तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स शो हो रहे होंगे, जो कि ये शो कर रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पर एनर्जी चेंज हो रही है, और जैसे जैसे एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे कलर चेंज होगा, और इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बनता ही तब है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो और एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसकी एनर्जी को शो करने के लिए हम स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं वर्ड। और स्पेक्ट्रम एक मेथड है जिसमें हम कलर्स को यूज़ करते हुए ये बताते हैं कि इसकी एनर्जी कौन सी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न्स द इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड व्हेन मैटर इंटरैक्ट्स विद और गिवन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी मैटर किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, जिस तरह के हमारे पास एक्सरे होती हैं, एक्सरे को किसी भी पार्टिकल के ऊपर या एटम्स के ऊपर या किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो वहाँ से अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है तो वहाँ एनर्जी ज़रूर इवॉल्व होगी। तो ये मैटर की इंटरेक्शन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अब्जॉर्प्शन पैटर्न फ्रॉम विच स्ट्रक्चर और कंपोजिशनल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिड्यूस्ड। तो ये सारी वही बातें डिस्कस की गई जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम की मदद से हम कंपोजिशन ऑफ एटम को डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ इट्स एनर्जी। मेन फीचर्स में हम देखते हैं द स्पेसिफिक फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर मेनली ड्यू टू पार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल पार्ट ईच ऑफ द लेटर टू बीइंग स्मॉल कंपेयर्ड विद द प्रीवियस वन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। एटम्स आयन और ए मॉलिक्यूल आल्सो ऑसिलेट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी वन। जब कोई भी एटम आयन या मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी जरूर एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो रिलीज करता है तो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम होगी और वो हम कलर से डिनोट कर पाएंगे। These spectra also have significance in identifying species that participate in physical and chemical processes. जो भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, केमिकल हो या फिजिकल प्रोसेस हो, उनको भी इडेंटिफाई हम इसी तरह करते हैं। उनकी फर्दर डिटेल जो कंपोजिशन होती है वो इसी स्पेक्ट्रा की मदद से ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म है हमारे पास मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? ए मॉलिक्यूल इज ए बंडल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम न्यूक्लाई सराउंडेड बाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। As a rule, molecular stability is the result of the balance among the attractive and repulsive of the nuclei and electron. ये तो आपको पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो कोलैप्स नहीं कर सकता न्यूक्लियस के अंदर, जितनी मर्जी उसकी एनर्जी जो है लो हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को बैलेंस किया होता है। अगर वो बैलेंस ना हो तो कोई भी चीज़ जो है स्टेबल नहीं रह सकती। ए मॉलिक्यूल इज ए फीचर्ड बाय टोटल एनर्जी डेट रिजल्ट फ्रॉम दीज इंट्रैक्शन इंट्रैक्टिंग फोर्सेज। द केस इज सिमिलर टू द एटम इन मॉलिक्यूल, द अलाउड एनर्जी स्टेट आर क्वांटाइज। मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ टू द हायर इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, सो द सीरीज ऑफ वेवलेंथ ए मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब गिवन ऑफ ए डिस्टेंट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ए डिस्टेंट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम लाइज इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नीचे ये आपको डायग्राम शो हो रही है जिसके अंदर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डायग्राम शो की जा रही है, हायर एनर्जी लेवल और लोअर लेवल एनर्जी के दरमियान, हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी लेवल के दरमियान जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी रिलीज हो रही है और स्पेक्ट्रम बन रहा है, उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल के लिए डायग्राम है। इस डायग्राम में ये इजीली देखा जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम और जो साइड पे भी शो हो रही है, और इसी को हम आज के सारे टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी एनर्जी इमिट या अब्सॉर्ब होगी तो वहाँ एनर्जी ज़रूर रिलीज होगी।
जब भी मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी ज़रूर अब्जॉर्ब या रिलीज होगी, जो कि स्पेक्ट्रम की मदद से हम शो करते हैं। और स्पेक्ट्रम कम्बिनेशन ऑफ कलर है, अगर हाई एनर्जी है तो कलर की बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो। फर्दर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सेकंड नंबर पर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा और थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा होता है। अब इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, इसके साथ फर्दर इनकी डायग्राम्स भी देखेंगे कि ये होते क्या हैं और हम इन्हें किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम देखते हैं, When a molecule absorbs a lower amount of energy that it makes a transition from one rotational level to another level, this is called pure rotational spectra. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और एक लेवल से अपर लेवल की तरफ जाता है, जैसे जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी पोजीशन जो है वैसे वैसे अपग्रेड होती रहेगी, और इसी चीज़ को हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इसकी एनर्जी किस रीजन में लाइज करती है, वो इंफ्रारेड रीजन में लाइज करती है और इक्वल टू माइक्रोवेव्स होती है। जिस तरह माइक्रोवेव्स की एनर्जी होती है, इसी तरह प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो बनता है उसकी एनर्जी सेम होती है। अब ये इंफ्रारेड रीजन में रहता है और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है ये इंफ्रारेड के करीब होता है, इंफ्रारेड के अंदर नहीं होता। ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं जो अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं कि इंफ्रारेड में कौन सा है और इंफ्रारेड के करीब कौन सा है। ये दोनों रीजन के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में ये वाले MCQs आ जाते हैं। फर्दर हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब सफिशिएंट एनर्जी दैट कॉजेस द ट्रांजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर लेवल, दिस ट्रांजिशन इज नोन एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो अब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमारे पास इंफ्रारेड रीजन नहीं होता, लेकिन इंफ्रारेड के करीब करीब होता है। द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। व्हेन द एक्साइटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लार्ज इनफ टू कॉज द ट्रांजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, दिस ट्रांजिशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल चेंजेस। मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी होगी वो इंफ्रारेड रीजन में भी लाइज करेगी और इंफ्रारेड के करीब भी लाइज करेगी। इसके अंदर हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों स्पेक्ट्रा बनेंगे। एडिशनली फॉर ईच वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ए सेट ऑफ क्लोजली स्पेस लाइंस अपेयर। वो फर्दर हम डायग्राम में देखते हैं, बिकॉज ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग रोटेशनल लेवल चेंजेस दीज क्लोजली स्पेस लाइंस आर नोन एज बैंड, वी कॉल इट द इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रही है, इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लोजली लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं और उसके हिसाब से आपको एनर्जी नज़र आ रही है, और उसके रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम कलर से डिनोट करवा रहे हैं। जिस तरह हमारे पास रेड लाइट है ये लोएस्ट कलर को शो करती है, इस तरह जो ब्लू है इसकी ज़्यादा एनर्जी है, इस तरह फर्दर ये 7 कलर कम्बिनेशन हो तो ये वाइट बन जाते हैं और इसकी हाइएस्ट एनर्जी है। इस तरह हमने इस स्पेक्ट्रम को एनर्जी के हिसाब से डिवाइड जो स्पेसिंग है वो बहुत ही क्लोजली लाइन है, जो कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्दर आप डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन देख सकते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, और जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसके बारे में पूछें, उसे डिस्कस करें, और फर्दर डिस्क्रिप्शन को ज़रूर रीड किया करें, क्योंकि उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्दर डिटेल दी गई होती है जो बाद वीडियो में नहीं बताई गई।